एवरीवन, तो आज मैं आपको एक फाउंडेशन के ऊपर रिव्यू देने वाली हूँ जो कि लोरियल का है। लोरियल का बेस्ट फाउंडेशन है, इनफॉलिबल मेट फिनिश एंड 24 आवर्स लास्टिंग रहेगी, फुल कवरेज रहेगा, बहुत अच्छा। और आप ये जो मेकअप देख रहे हैं मैंने उसी फाउंडेशन से किया है। सो गाइज, मैं आज आपको इस पर रिव्यू बताने वाली हूँ कि कैसा है, कैसे मेकअप फाउंडेशन ब्लेंडिंग में कैसा है और आपके लिए कैसा है। हाँ, मैंने तो ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक ही स्पम में काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा आपको क्वांटिटी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही कम क्वांटिटी में आप फुल कवरेज फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं फेस पर, ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। बताना चाहूँगी कि जो ये फाउंडेशन है वो ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बट ड्राई स्किन के लिए थोड़ा सी मैट, मतलब ड्राई है यार, मेरी स्किन ड्राई है तो मुझे भी थोड़ा सी ड्राई लगा। तो आप लोग ड्राई स्किन वाले थोड़ा सी अच्छे से मॉइस्चराइजर की ज़रूरत रहेगी, अच्छा ढेर सारा मॉइस्चराइजर वगैरह यूज़ करके फिर इससे ट्राई करें, अदरवाइज ये बेस्ट है, फुल कवरेज। और गाइज, मुझे ये फाउंडेशन कुछ तो 636 का पड़ा है ऑफर में ऑनलाइन, आप लोग इसे, मैंने नायका से लिया था, आप भी इसे यूज़ कर सकते हो, नायका से आप ले सकते होगे, मैंने इसे नायका से लिया था। ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, मतलब आपको बताऊंगी मैंने पूरे फाउंडेशन कैसे अप्लाई किया, मैंने ये मेकअप कैसे किया है। सो गाइस, आप मेरी वीडियो में बने रहिए और आगे देखिए मेरा फुल मेकअप रिव्यू फॉर लोरियल इनफॉलिबल फाउंडेशन 24 आवर्स मेट कवरेज, मेट फिनिश एंड फुल कवरेज। बहुत तो ये फाउंडेशन को मैं थम्स अप करती हूँ और ये बहुत बेस्ट फाउंडेशन, बट ड्राई स्किन वालों के लिए थोड़ा सी ड्राई रहेगा। तो आप गाइस इसको बहुत ध्यान रखना कि आप इसको ढेर सारा मॉइस्चराइजर है अपनी स्किन को बहुत अच्छे से सीरम टोनर ये सब यूज़ करके इसे यूज़ करना, ड्राई स्किन वाले स्पेशली। स्टार्ट माय वीडियो। हे गाइस, तो मैं सबसे पहले अपने फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ अच्छी तरीके से, टोनर मॉइस्चराइजर सीरम सब यूज़ कर अप्लाई करके अपने फेस पर। हमें फाउंडेशन को देख रहे हैं, आपने बहुत थोड़ा सी फाउंडेशन लिया और पूरे अपने फेस पर डैप 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 करके पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया। एंड बस इतनी ही सी फाउंडेशन से आप देखना कितने अच्छी पूरा फेस में इतनी अच्छी फुल कवरेज दिखेगी, मतलब अच्छी फाउंडेशन है ये। अब मैं इस तरीके अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंडर से। और हाँ, हमेशा आपको याद रखना है कि ब्लेंडर को आपको अप्लाई करने से पहले अपने फेस पे उसको अच्छे से पानी में अच्छे से उसको ब्लेंडर को गीला कर लेना, ताकि वो अच्छा सी स्पंजी हो जाए और ज़्यादा फूल जाए, और फिर उसको अच्छे से पानी को रिमूव करके फिर अपने फेस पर अप्लाई करें तो बहुत अच्छे से आपका मेकअप ब्लेंड होगा। अगर आपने बिना उसे गीला करे डीप किए बिगर वाटर में अगर उसे अप्लाई किया अपने फेस पर, तो आपका फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। तो गाइस, अभी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यार, आपको मेरी आवाज़ बहुत अलग से लग रही होगी क्योंकि मुझे थोड़ा सी जुकाम हो गया है। सो गाइस, मेरी आवाज़ से चेंज हो गई है, इसलिए सॉरी। एंड या मैं आई शेड अपने फेस अप्लाई कर रही हूँ, ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन के शेड को मिक्स करके मैंने अप्लाई किया है। और मैं इसे अपने फिंगर से ही अप्लाई कर रही हूँ अपने आईज़ पर। एंड हमें उसके बाद ब्लश यूज़ करूँगी, ब्लशर लगाएंगे, जो कि ब्लशर क्योंकि हमारा मेकअप इनकम्प्लीट लगता है। और देखिए, ब्लशर लगाने का कितना अच्छा सा पूरा फेस पे इतना प्यारा सा लुक क्रिएट हो जाता है गाइस। तो आप भी अगर कर रहे हैं मेकअप तो ब्लशर आप लगाना मत भूलना। एंड यहाँ मैं आईलाइनर लगा लिया है, मैं मस्कारा लगाऊंगी और लास्ट में काजल को हल्का सा ला के स्मच कर दूंगी। एंड अब अपने मेकअप को कंप्लीट करने के लिए हम लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, डार्क पिंक कलर की लिपस्टिक। एंड या मेरा मेकअप इज़ कंप्लीट। आई होप सो गाइस, आपको मेरी वीडियो एंड रिव्यू पसंद आया होगा। एंड गाइज, ओके, आई एम रेडी माई मेकअप फुल लुक। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरा मेकअप पसंद आया हो, आपको मेरा रिव्यू पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय।